हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू शो कड़क रिएक्शन। मैं हूं शाहवीज। आयशा यासीन। आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं अनदर ओएसटी ऑफ अब्दुल्लापुर का देवदास। अब्दुल्लापुर के देवदास का जो ओ साहिब वाला ओएसटी है, हम लोगों ने उसके ऊपर ऑलरेडी रिएक्ट किया है। आप हमारे वीडियोस में जाके वो वीडियो देख सकते हो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। और जिन्होंने देखा है उन्होंने ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया होगा कि इसके और एक ओएसटी के ऊपर रिएक्ट करें। इसका नाम है बीबा सडा सडा। ओके, आई वांट टू नो द, आई थिंक इट्स अ पंजाबी वर्ड। पंजाबी, हाँ। सो या, इसके अगेन द लीड एक्टर इज बिलाल अब्बास एंड सारा खान। एंड लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर, डिटेल्स हमने दिए हैं। लेट्स स्टार्ट। ना जाने मोहब्बत में महबूब हमेशा उम्मीदों की मुसाफत पे क्यों खड़ा होता है, ना जाने ये फासला सिमट क्यों नहीं जाते। आई थिंक इसके ऑलमोस्ट आधा सीजन हो गया भी होगा। ये Oh, Zenzo again. Okay. नोमान एजाज की आवाज सुन के मैं बोल सकता हूँ यूजी। कुछ प्यारा, लाइक अपना प्यारा ऐसे कुछ होता है। Is it? हाँ। अच्छा। I too don't have any idea. See, it's like Punjabi mein when somebody is telling like Biba Munda hai, so that means like wo bahut hi pyara ladka hai, and I say like I've heard, like I've watched a lot of like, you know, thode bahut Punjabi movies and series. Apna apna kind of like bolte hai na, like oldies aunties rehta na, they tell like Biba Munda hai, Biba Munda, that means bahut hi pyara, bahut hi acha ladka hai. Aisa mujhe to pata nahi tha. Okay, so the singers are Sami Khan. And Sami Khan, I think Sami Khan is also an actor, right? जो कि I think Ishkela something उन्होंने उसके ऊपर उसमें काम किया है। He is the same guy or what? I am not sure. No, right? Mm-hmm. But yeah, I think Ishkela में जो another leading actor हैं, Sajal Ali, I think she is the leading actor of that. उसके जो actor हैं, वो भी singer ही हैं। And Zain Zuhaib, again, amazing work by them. Yeah, I love them. And Ikram Manzo, composer. Okay. Nice. Okay. So yeah.
नाइस, इट वाज नाइस, स्पेशली जब ज़ैन ज़ुहैब का जो आवाज आई गाने में, इट वाज वेरी यू नो क्या बोलते हैं वो, एक पावर टचिंग एंड लाइक पावरफुल, लाइक वो सॉन्ग पे एक पावर छा गया, पावर छा गया. एंड अगेन उसके बाद उसने अच्छी पेस पकड़ी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी के यू नो इन्होंने आजकल ये जो कोलैब हो रहा है ना मल्टीपल सिंगर्स का, विच इज वेरी गुड, बिकॉज आई थिंक पहले ये बहुत होता था कि एक ही सिंगर था जो कि ओएसटी पूरा खत्म था, बट नाउ देयर आर मल्टीपल टैलेंट्स आर इन्वॉल्विंग इन दिस. एंड डेफिनेटली ज़ैन ज़ुहैब इज वेरी अ क्लासिकल सिंगर एंड आई थिंक समी खान इज वेरी क्या बोलते हैं जो रेगुलर बॉलीवुड टाइप ऑफ सॉन्ग्स होते हैं ना उसको उस तरीके का स्टाइल है उनका. एंड दिस गाइज collabing and coming with such a good something output. Like this huh? it's really nice to hear. Yeah, and I think first OST bhi bahut acha tha iska, but I think even this is not iske bhi kabhi kam to nahi hai because it's very nice. एंड इसमें लाइक देखने को मिल रहा है बिलाल अब्बास इज लाइक कोई वो दीवानगी वाला प्यार है एंड लाइक ही इज लिटरली किलिंग, वो खुद मार कर रहे हैं, मार भी रहे हैं, बहुत कुछ बहुत कुछ, बहुत सारे ड्रामा इन्वॉल्व है. स्टोरी स्टोरी अगेन हम लोगों ने फर्स्ट ओएसटी में भी हम लोगों ने प्रेडिक्ट की थी कि क्या स्टोरी हो सकती है, बट अगेन we can't be sure, but यहाँ पर you know और थोड़ा intense दिख रहा है because उसमें उतना intenseful नहीं दिखाया गया था, because उसमें बहुत like देवदास का जो होता है ना एकदम वो पागलपन जो होता है ना देवदास का, उतना पागलपन उसमें नहीं दिखाया गया था जिसमें दिखाया गया है. हाँ, इसमें बहुत ही ज़्यादा places में दिखाया गया है कि like वो बिलाल अब्बास का इज लाइक एक्सट्रीम लेवल का पागलपन है. कुछ कुछ जगह इज लाइक वो कहीं कहीं मार भी खा रहे हैं, कहीं कहीं मार भी रहे हैं, इज इन टू कस्टडी आल्सो, तो बहुत ही लेकिन वो शिद्दत वाला प्यार है. बिकॉज जो हम लोगों ने बॉलीवुड का देवदास देखा है ना, इट्स ऑल अबाउट ड्रिंकिंग अल्कोहल पीना और यू नो बेकार की कामें करना, दैट इज अ काइंड ऑफ देवदास हम लोगों ने यहाँ पर देखा है. बट दिस देवदास अपने होशो आवाज में लेकिन सिर्फ प्यार के जुनून में कर रहा है. That is, I think that is actually Devdas, which we can relate because we are not someone who drink and all those stuff. Alcohol consumption. समझ सकते हैं कि जब प्यार का नशा चढ़ता है तो किस तरीके लोग behave करते हैं, and he is doing exactly like that. And I think बिलाल अब्बास को हम लोग उस ड्रामे का उस OST में देख के फिर यहाँ पर देखना, very different characters, बिलाल अब्बास behaving very cute guy there, and rebellious. But I think सारा खान का ज्यादा content दिखाया नहीं गया है इसमें, and I think सारा खान plays very important role in this because she is the one जिसके वजह से ये सब हो रहा है, जिसके लिए like बिलाल पागल हैं. Yes. So yeah, this was our reaction on Abdullahpur ka Devdas ke Biba OST ke upar, Biba Sadda. So yeah, jaane se pehle channel ko subscribe kijiye, notification bell ring kijiye for more entertainment. Follow us on Instagram, Facebook and Twitter. Aur details humne diye hain. This is Mohammad Shahbaz. Aisha Yasin, we are signing off.